ईरान ने आरोप लगाया कि उसके शिराज शहर में हुए आतंकी हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। 26 अक्टूबर को वहां शिया मुसलमानों की एक मस्जिद पर हुए हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि हमलावर जैसे ही मस्जिद के अंदर पहुंचे उन्होंने तेजी से गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। अचानक हुए इस हमले के बाद वहां भगदड़ मच गई, लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए, लेकिन हमला करने वाले आतंकी अलग अलग हिस्सों में फैलकर गोलियां चलाते रहे। इस बीच कुछ लोग गोली का शिकार होकर वहां जमीन पर गिरे हुए भी नजर आए थे। इस भगदड़ में कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब भी हुए, जबकि आतंकी लगातार गोलियां बरसाते रहे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने दो हमलावरों को दबोच लिया था। दावा किया गया कि एक हमलावर वहां से भागने में कामयाब रहा था, बाद में इस हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली थी। लेकिन अब ईरान खुलकर दावा कर रहा है कि शिराज शहर में आतंकी हमला इसराइल नहीं करवाया, क्योंकि वो उसकी बढ़ती ताकत से बौखला गया है। साथ ही रूस के साथ बढ़ती ईरान की नजदीकी भी इसराइल के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। और यूक्रेन जंग में तो शाहिद 136 ड्रोन की वजह से इन दोनों की दोस्ती खुलकर दुनिया के सामने आ गई। कहा जा रहा है कि जंग में बुरी तरह पिट रहे रूस के लिए ईरान का ड्रोन संजीवनी साबित हुआ। उसने यूक्रेन के कई शहरों पर हमला करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। माना जा रहा है कि इसराइल भी ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की मारक क्षमता देखकर बुरी तरह परेशान हो गया। यहां तक कि उसने अमेरिका को ये सबूत भी दिया कि ईरान रूस को जंग लड़ने के लिए ड्रोन दे रहा है, क्योंकि ईरान ने इस बात को कभी नहीं माना कि उसने रूस को ड्रोन दिए। इस बीच इसराइल ने ये दावा भी कर दिया कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच पहले से ही चल रहा तनाव बढ़ गया। और इसराइल ने सीरिया में ईरान की सेना के ठिकानों पर हमले करके इस तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। कुछ रोज पहले ही उसने वहां जोरदार हवाई हमले किए थे और ईरान की फौज के अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया था। इसराइल ने सीरिया में एक दो नहीं बल्कि कई दिनों तक हवाई हमले किए थे। उसकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया था। दावा किया गया कि वहां मौजूद हथियारों का एक कारखाना भी इसराइल के हमले की जद में आया था। इसराइल की सीरिया में इस कार्रवाई के बीच ही ईरान के शिराज शहर में आतंकी हमला हो गया। ईरान ने आरोप लगाया कि ये हमला इसराइल ने ही करवाया है ताकि उसकी आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचाई जा सके। ईरान के मुताबिक इसराइल ने उस पर दो तरफा वार किया और इसी से भड़के ईरान ने इसराइल को चेतावनी दे दी कि उसकी जमीन पर खून बहाने वाले को अंजाम भुगतना होगा। यही नहीं, ईरान ने यह दावा भी किया कि इसराइल ISIS के मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। इस बीच खबर है कि यूक्रेन जंग में वाहवाही बटोर रहे ईरान के ड्रोन की ताकत से तुर्की परेशान हो गया और उसने भी अपने ड्रोन को ताकत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि ईरान के आत्मघाती ड्रोन तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में तुर्की के इस ड्रोन ने खूब तबाही मचाई और रूस की सेना को छकाया। तुर्की के इस ड्रोन को यूक्रेन ने इस्तेमाल किया। ये तक दावा किया गया कि रूस इस ड्रोन से परेशान हो गया था, लेकिन ईरान के शाहिद 136 ने बाजी पलट दी, क्योंकि जिस वजह से यूक्रेन का पलड़ा भारी हो रहा था उससे कहीं अधिक खतरनाक हथियार रूस के पास है। और यूक्रेन जंग में शाहिद 136 ने अपनी ताकत का सबूत भी दे दिया है। माना जा रहा है कि तुर्की इसी वजह से अपने ड्रोन की ताकत बढ़ा रहा है और बारकताश श्रेणी के ड्रोन को ज्यादा खतरनाक बनाने में जुट गया है। खबर है कि तुर्की अपने बारकताश ड्रोन में ऐसी तकनीक जोड़ रहा है जिससे हवा में ही टारगेट को उड़ाया जा सके। हालांकि अब तक ये पता नहीं है कि ड्रोन की नई कैटेगरी आत्मघाती होगी या नहीं, क्योंकि अगर ये ड्रोन आत्मघाती नहीं है और हवा में ही टारगेट को खत्म कर सकते हैं तो फिर तो ईरान के शाहिद 136 पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि ये खुद नहीं उड़ेंगे बल्कि दुश्मन के हथियार को उड़ा देंगे। तुर्की का बारकताश वैसे भी काफी मशहूर है। यूक्रेन जंग के बाद तो इसकी डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि तुर्की का बारकताश TB2 हल्के हथियारों से लैस है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और रेडियो गाइडेड होने की वजह से 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक उन्हें ऑपरेट किया जा सकता है।